सेवा करें आगे मैं तो सिर्फ दर्शन कर करवे <laughs> आप सब ब्रजवासियों के अन्न टुकड़ा खा करके ही हमारा अध्यात्म पोषण हुआ है अगर आप ब्रजवासियों की कृपा को न होती अन्न टुकड़े न मिलते तो मुझ जैसे अधम को लाडली लाल अपना कैसे मान लेते हम में एक ही गुण है कि हम सिर्फ ब्रजवासी हैं बाकी हम सब में खाने से <laughs> एक ही बात से सब काम कामल जाएगा <laughs> हमारे प्रभु संबंध को बहुत निर्वाह करना जानते हैं प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने संबंध का निर्वाह अगर कर सकते हैं तो बिहारी बिहारी जो कर सकते हैं और तो सब गुणों का निर्वाह करते हैं गुणवान है तो उसे प्यार देते हैं लेकिन संबंध का निर्वाह हमारे केवल प्रभु ही करते हैं और ये ठसक ब्रजवासियों में गर्व से ही होती है क्योंकि प्रभु मेरे हैं जो यहाँ उपासना में सीखा जाता है कि मैं भगवान का भगवान मेरे बड़े बड़े संत से सिखाते हैं वो यहाँ इस रज में पैदा हुए कि ठसक होती है कन्हैया हमारा श्री कृष्ण हमारा तुम उपासना करो हम तो इसके घर के हैं इसके साथ खेल आपका ये जो भगवत भाव प्रदर्शित हुआ ये श्री कृष्ण कृपा के बिना नहीं हो सकता चार लोग प्रणाम करें तो हम अपनी सीमा में आ जाता है आप हमारे गुरु स्वरूप हैं ब्रजवासी हैं आप हमारे अन्नदाता हैं यहाँ का हम टुकड़ा पाया है देखो बातें बनाना अलग बात है हम हृदय की बात कहते हैं ब्रजवासियों के टुकड़े से हम पले हैं ब्रजवासियों के टुकड़े से हमारी उपासना पले है और आप जैसे ये नम्रता प्रकट करे लें ये केवल कृष्ण कृपा ही का ही स्वरूप है बस आशीर्वाद यही दीजिए कि जो श्यामा श्याम के रंग में आपके चरण रज ने आपके अन्न ने लगाया है वह सुशी में जीवन पूर्ण श्यामा श्याम हमारी एक भी वृत्ति कहीं अन्न न जाए पूरा जीवन <laughs> हम तो ठाकुर जी के गीत गाये हुए बाहर ही जानते रहे हमें तो ब्रज बास उतनों में भी ना है ये तो भलो हो या कोरोना को जो इतना बास <laughs> <laughs> युवान में जो सर्वेश्वरी के प्रति भाव उत्पन्न करे है। वो एक अद्भुत वो अद्भुत है और वाही के लिए चर्चा है आ, एक शहर में चर्चा आ, है और वो आपको कोई अपना विशेष नहीं आ, वो जो किशोर जी के प्रति जो आप जगा रहे हैं को वो बहुत बहुत अत्यंत सुंदर है और आज के युवा जो चरित्रवान आ, क्या कहें या विषय पे हम कह नहीं सके जो बड़ी बात है चरित्र के विषय में पर आपने जो अभी इतने संत बाहर विराज रहे हैं महात्मा विराज रहे हैं ये युवा युवा देखो हाँ इस बस ये लाडली जो की लाडली जो की मंद मुस्कान से महाराज जी नाम पढ़े लिखे हैं कच्छा नौ सेम टू सेम आप तो नाइन तक मैं, ना मैं तो एको में नाइन <laughs> आपका देखो बचपन से ब्रज में जल और ठाकुर जी बलला बड़े बड़े परम हंस मस्तक में अपने चरण धूल आपकी जी ये आशीर्वाद को मिलो बचपन बहुत आशीर्वाद ऐसो मिलो कि वो लाड लड़ावे गए देवुण। देवुण। गोद में बैठा बाबा है गोवर्धन वाले बाबा गोद में बैठा रखे स्वरूप में और प्रसाद पवाए सौभाग्य थे हम लोग उनके आशीर्वाद विभूति आज आप को कर पा रहे हैं और ये जो आप का बाहर जाना है ना ये हमारे लिए बहुत मंगलमय है देखो जहां हम नहीं पहुंच सकते वहाँ हमारी बात पहुंच रही है आप सब अगर ना जाए तो जाए तो कोई रास क्या है जान नहीं पाएगा राधा नाम का परिचय हमारे ब्रजवासी इस रज का सेवन करने वाले ही दे सकते हैं त्रिभुवन में किसी की सामर्थ्य नहीं कि राधा नाम बोल सके ये वृंदावन रज और वृंदावन रज के रसिक और ब्रजवासी ये इनकी धरोहर है इनके सिवा कोई नहीं बोल सकता ये आगम निगम पुराण अगोचर राधा नाम आगम निगम पुराण अगोचर अलक्षम राधाख्यम निखिल निगम रप्यति तराम रसाम सारम किमपि सुकुमारम विजयते अलक्ष्य वेदों से श्री लालजू महाराज के लिए नेति नेति वेद कहते हैं फिर लालजू महाराज जहां रस की आचना करते हैं मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी नवल किशोरी जिनके श्री चरणों को मस्तक पर पधराने के लिए भगवान शंकर ब्रह्मादि सुखादि याचना करते रहते ध्यान धरते रहते हैं वही प्रभु लाडली जू के चरणों में मावर लगाने के लिए सखियों से याचना करते रहते हैं इस रस को कैसे कोई जानेगा श्री श्यामा के चरणन की बलिहारी जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी कहा किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी श्री श्यामा यानी कि हमें अपने संप्रदाय के, के नंददा चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नवबाल ये वो चर चरण चाप रहे हैं धेयम सदा परिभवन अभिष्ट दो हम तीर्थास्पद हम शिविर शरण्यम ृत्यारती हम प्रणतपाल भवाब्दी पोतम ये बंदे महापुरुष ते चरणारिंदम ओ ऐसे चरणार वाले गोरे चरणार विंद की देखो कैसी अद्भुत महिमा है नंद सुत मन सागर तरन ये बात अनंत गोपियां जिनके श्री चरण का स्मरण करके शीतलता धारण करती हैं वो है श्री कृष्ण और श्रीकृष्ण अभ्यर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतल भी जिनके हृदय की शीतलता लाडली के श्री चरणों को स्थापित करने से होती वो हमारे गोरे चरण नंद सुत मन छिन श्याम जिनकी ये कहीं नहीं मिलेगा आगम निगम पुराण अगोचर ये सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद में, ये निज संपत्ति वृंदावन हारिणी बिहारी जो ब्रजवासियों की है रसिकों की है रजोप सेवी जनों की है तो अहोभाग्य है कि ऐसे अभी जन विराजमान है कि बाहर जाकर राधा नाम रास भगवत यश का गान करते हैं तो उनके कहानों में लोभ जागृत होता है भागते हैं वृंदावन की तरफ अगर हमको रास का परिचय न मिला होता बाहर से तो लोभ कैसे जागृत होता है वहां देखा अर्जन तो मौर्य अब ये तो जीवन बन गया अब इसके बिना जी नहीं सकते घसीट लिया ये महापुरुष जन जा जा करके राधा नाम भगवत यश गान करते जगत मंगल करते हैं जगत मंगल जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन जो धुआं उठ रहा है ना वो ज्वाला बन जाएगी सुरक्षित कोई नहीं रहेगा ये जो भगवत यश गान हो रहा है जो भगवत प्रेमी महात्मा जन निरंतर नाम जप कर रहे हैं भगवत यश चिंतन कर रहे हैं लीला चिंतन कर रहे हैं उनसे सबका मंगल हो रहा लोग नहीं जानते हैं ये जो अशुभ है ये होता रहता है उनकी वाणी से उनके चिंतन से उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु से और जिस दिन ये मंगल बंद हुआ ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये भी शास्त्रों के प्रति श्रद्धाएं कम होती चली जा रही हैं संतों के प्रति ऐसे आचरण व्यक्त हो गए कि अश्रद्धा ही बढ़ रही आगे चल करके ये, जैसे अब देखो अपनी जो पूर्व राष्ट्र पद्धति थी धीरे धीरे ऐसे सीरियल चल रहे हैं ऐसी लीलाएं कौन उनको देखे उनको तो भावुक जन पान करते हैं ना ब्रजवासी बालक भगवत स्वरूप में इतना ही उनके लिए काफी जो प्रेमी जन बाहर देखो धीरे धीरे शास्त्रों के प्रति अंगुली उठने लगी अब आगे चल करके धीरे धीरे आपको उतरना पड़ेगा शास्त्र सम्मत वार्ता कोई सुनने के लिए राजी नहीं होगा ये तो अभी बहुत कृपा है अभी बहुत कृपा है सुन तो रहे ना आगे सुनेंगे नहीं ऐसी मलिन बुद्धि हो जाएगी आदर नहीं होगा शास्त्रों का आदर नहीं होगा संतों का आदर नहीं होगा भगवत प्रेमी भगवत लीला गायन कथा वचन का इसका आदर धीरे धीरे नष्ट हो तब भा भ्रष्टाचार सब संसारा धर्म सुनाई नहीं काना कान से सुनाई नहीं देगा तभी अभी सबसे कह देते कि अवसर है निकल चलो निकल चलो प्रियाजू ने अभी अनुकूल अनुग्रह वायु भेज दिए निकल चलो नहीं अगला जन्म होगा और हम भजन करेंगे ऐसा असंभव अगला जन्म हो और भजन करके श्री जी को प्राप्त करें असंभव आज न सामग्री शुद्ध रह रही अगर शुद्ध चीजें देखो दूध है घी है जिनसे हम पवित्र बुद्धि और स्वस्थता धारण करके भजन करें उनमें ही अशुद्धता मिलाई जा रही किससे हम कहा छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है जो पूरा संसार घर बैठे देख सकते हैं संयम के लिए निकले थे भगवत प्राप्ति संयम पर टिकी हुई है और संयम भ्रष्ट करने के लिए इतना बड़ा मोबाइल काफी है अब वो एकांत कमरे में बैठा क्या देख रहा है जिन, जिसने अपने मन का निग्रह नहीं कर लिया मन का निग्रह करना ऐसी खेल है मनोनिग्रह बहुत बड़ी सिद्धि है जिसने अपने मन को समेट कर परमात्म तत्व में लगा दिया सावई मना कृष्ण पदारविंद देव बहुत ये छोटी मोटी स्थिति है अब वो क्या करेगा भ्रष्ट हो जाएगा तो अगला जन मोबाइल भेज दिया तीस पैंतीस वर्ष से कलयुग ने अब अगला जो जन्म होगा धीरे धीरे मतलब बहुत तो ये कमर कसे रहना हमारे धर्म के प्रति जीवन बलिदान की वृत्ति बनाए रखना और अधिक से अधिक नाम महिमा क्योंकि कलयुग में अन्य साधनों में रुचि होना नाम महिमा अधिक से अधिक नाम महिमा भगवत लीला श्रवण का फल एक महान दुराचारी प्रेत आत्मा प्रेत बना हुआ सात दिन की भागवत में भगवत धाम साक्षात सदे जाता है सामने विमान पे जाता है ये कोई कहानी नहीं ऐसी ही सामर्थ्य भागवत में है भगवान लीला का गान करके कितनों का उद्धार किया जा सकता है भगवान नाम में प्रीति प्रदान करके कितनों का उद्धार किया जा सकता है हमारा तो उद्धार हो या नो इसकी फिक्र नहीं मेरे मालिक का नाम मेरे मालिक का जस फैले और सबका मंगल हो चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले कोई नहीं झुका सकता ये बात ध्यान रखना अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते रहना जो हमारी रज का सेवन किए हुए उसकी वाणी अमोग होती है इसी रज के प्रभाव से हम जीवित तो बैठे इसी रज के प्रभाव से तो किडनी फेल है और हम तो किशोरी जी से प्रार्थना करें सरकार ही कृपा बनाए रखें और तमाम जो है आप सब गुरुजनों का यही सुभाषी सी मरे हुए हैं किसी का तो तो, असल में मरे तो वो है जीवित सब समान सुप्राणी जिन हरि ही भगत हृदय नहीं आनी जाके रोम रोम में सर्वेश्वरी राधा रानी को नाम बस रहे हो वो तो सदा चीवा और आपने तो कितने मरे हुए जिंदे कर दिए <laughs> करे करावे आप सब जले बधाई दे उनका खेल है सही और किशोरी जी करवा तो रही है ना हाँ महाराज स्पष्ट उन्हीं के द्वारा उन्हीं के द्वारा सारा खेल चल रहा है स्पष्ट चल रहा है जैसे ना बटन दबे वैसे उनका सारा हमारी बुद्धि की बस की बात नहीं बहुत मतलब बहुत कृपा उनकी हर समय अनंत माताओं जैसा लिए लाड़ ली जो हर समय कभी भी हमने देखा जैसे कभी बहुत पीड़ा हो रही है तो भयानक रोग है ना कभी तो पीड़ा को एक सेकंड में ऐसे कोने में रख के निहाल ये जो दिनचर्या चल रही है डेढ़ बजे उठते हैं रात्रि के दो बजे से शौच स्नान करके ढाई बजे से यहाँ आ जाते अब ये चल रहे दिन चल जाए साढ़े नौ बजे तक तो चले फिर कुछ प्रसाद तो दिन में एक मिनट के लिए भी, भी नींद नहीं ये रोगी शरीर की दिनचर्या थोड़ी श्री जी के प्रताप से चल रहे पूरी रात निकल जाए कि घंटा दो घंटा नींद आई तो आई नहीं तो ऐसे नहीं तो ये सब श्री जी से चल रहा है संसारिक अगर आदमी शोबह नहीं छः सात घंटा तो मुखमंडल दूर देख के बता आदमी तनाव में और जो आप क्रिया बता रहे हैं, और वह क्रिया के बाद जो आपको दर्शन है इस साक्षात किशोरी जी का दर्शन बिल्कुल उनकी कृपा का दर्शन महाराज जी। अब जैसे कल डायलिसिस हुआ डायलिसिस चार घंटा जैसे मछली तड़पे ना ऐसे शरीर से खून निकलता है स्पृश निकलता है ना रफ्ता अब जैसे खून का एक स्वाभाविक दौड़ है और जब उसको निकल तो हर नस नाड़ी में एक भयंकर पीड़ा होती है बेशुद्ध ऐसे फिफड़ा निकल आते हैं ऐसे मतलब ऐसे थूक के ऐसे मतलब उस समय की दशा जैसे चार पांच लोग रहते हैं ना उस समय दशा ही ऐसी होती है फिर उसके बाद चार पाँच घंटे उठना मुश्किल होता है ऐसे दो चार बच्चे ऐसे पकड़ के से नहीं तो चक्कर हो ऐसा और एक कवल नहीं पाया अभी तक कल डायलिसिस के बाद शाम के भोजन नहीं होता डायलिसिस के बाद इतना शिथिल अंग रहता है अब ये चल, अब नौ साढ़े नौ बजे प्रसाद पाएंगे क्या कि ऐसी एक दिन चल रहा है कि अब जैसे हम थोड़ा भी कुछ पालें तो फिर हमारी सामर्थ्य नहीं होगी हमें लेट जाना पड़ेगा जब हम कुछ नहीं पा रहे हैं तो एक मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति के द्वारा अब आप, आप दस ग्यारह बजे तक ऐसे बोलवाते रहिए हम बोलते रहेंगे नहीं तो हम कुछ भी पाया तो इतनी जोर की प्यास लगती है क्योंकि पानी पर ब्रेक है बस जैसे हमें प्यास लगती है ना इतना गिलास है इतना बुदा उसमें पानी देते हैं क्योंकि अधिक पानी डायलिसिस अधिक तो फिर थोड़ा सा पानी अब बराबर बोल रहे हैं कुछ खा पी नहीं रहे तो प्यास नहीं लग रही और अगर हम अभी कुछ भी ले बस पे इतनी प्यास परेशान हो जाते हैं जब किशोरी जी कृपा कर दें तो यूँ कह दी कबू कि जो ये कथावाचक ढूंढ लेना है तुम्हारा तो नाम का <laughs> इनको भी कल्याण अरे <laughs> लाडली जी की बहुत कृपा है बहुत कृपा है मैं जो कह मैंने कि, कि सिर्फ एक मिनट दर्शन करेंगे चरण स्पर्श करेंगे और हम चले आए हम उन्हें तंग नहीं करेंगे <laughs> नहीं। अब यहाँ से जावे को मन नहीं हाँ। बड़े दिनांत इच्छा मेरी कई बार मैंने पतो भी करवाया भाई वो अब मैंने कि बेस्ट तो मिल को बड़ा मुश्किल है जाएगा पर दो मिनट से दर्शन करने में आप फिर ठाकुर जी जल्दी दे हमें ये देना अवसर दिखा हुए हम आपके दर्शन फिर आगे करें <laughs> नहीं तो कोई आज हमारे जो ये वो नहीं कहा बेटा एक बार पुनः स्पर्श को अवसर मिल जाए बस <coughs> आप किशोरी जी के प्रार्थना आप स्वस्थ रहें और जग को कल्याण नहीं करते Deixa de eu de regir da prática.